नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल क्रिप्टो बाबा पे। और अभी के लिए जिस पे हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं, क्या बिटकॉइन एक फ्रॉड स्कीम है? क्या बिटकॉइन की जो हाइप आई थी दिसंबर के अंदर में, वो क्या मैनिपुलेटिव थी? क्या वो जानबूझकर की गई थी या लोगों ने इन्वेस्ट किया था? तो एक न्यूज़ आ रही है अभी, और ये न्यूज़ आ रही है, इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो बिटकॉइन के प्राइस जो थे, इसको इन्फ्लेट किया गया था, यानी इसको जानबूझकर बढ़ाया गया था, और इसको बढ़ाने के पीछे किसी और का हाथ नहीं था। वो एक करेंसी है तीथर, जिसका इसमें सबसे बड़ा हाथ था। उनके ट्रेडर्स ने क्रिप्टो करेंसी के जो प्राइस है, बिटकॉइन के प्राइस है, उनको हाइप किया था। इस न्यूज़ के हिसाब से एक एक्सचेंज है जिसका नाम है बिटफिनिक्स। बिटफिनिक्स ने यह काम किया था तीथर के जो प्रमोटर्स हैं इनके साथ मिलके। इसमें सीधे सीधे इस पे इल्ज़ाम और इसमें प्रूफ करके बताया गया है कि जो तीथर के जो प्रमोटर्स थे, उन्होंने जानबूझकर तीथर को जो है उससे बिटकॉइन खरीदी, इसमें सबसे ज़्यादा पैसे पंप किए, और उसके बाद से जो बिटकॉइन है उसके रेट बढ़ना शुरू हो गया था। अब इसमें यह भी कहा गया है इस आर्टिकल में कि एक इन्वेस्टिगेटर जो कि US कमोडिटी फ्यूचर से है, ट्रेडिंग कमीशंस, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर अपनी इसको इन्वेस्टिगेट किया, और उन्होंने इस चीज़ को सच माना, इस चीज़ को सही पाया कि इस तरह से ये जो चीज़ें हुई थी वो एक स्कैम था। यानी कि ये तीथर ने जानबूझकर जो है बिटकॉइन के प्राइस को इतना हाई कर दिया ताकि लोग इसके अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। तो जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं, और जो लोग भी इस मार्केट में हैं वो भी ये देख रहे हैं कि दिसंबर के बाद से जनवरी और फरवरी आ गई है, और अभी के अभी जो है बिटकॉइन के प्राइस जो है ये सबसे ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। मतलब कहाँ लोगों को उम्मीद थी कि 20,000, 25,000 या 50,000 तक जाएंगे US डॉलर्स में, और ये घट के 10,000 के नीचे आ गई है। तो इस न्यूज़ को देखकर तो यही लगता है, क्योंकि इसमें अथॉरिटी है जिसने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया है, उसने ये चीज़ बोला ही है कि हाँ ये सही बात है, इस तरह से ये चीज़ हुई थी, और इसके प्रमोटर तीथर और बिटफिनेक्स ने इन सारी चीज़ों को किया था। खैर, इनके स्पोक्स पर्सन जो बिटफिनेक्स और तीथर के जो स्पोक्स पर्सन है, उनका ये कहना है कि इस तरह के जो ये प्रोसेस है, ये अभी इनके हिसाब से ये सही नहीं है, जो ये सारी बातें हैं ये इनके हिसाब से लीगल नहीं है। तो अभी ये सोचने का विषय रहेगा कि क्या ये सच में ऐसा हुआ था, क्योंकि जैसा कि लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है, इसमें जो हाइप आती है, या जिस किसी भी करेंसी में हाइप आ रही है या कोई करेंसी के रेट बढ़ रहे हैं, तो वो न्यूज़ की वजह से बढ़ते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर देखी जाए पिछले 10-15 दिनों की न्यूज़ के अंदर, ठीक है, तो कोरिया सबसे बड़ा कारण रहा है, उसको विलन बना के लोगों ने प्रोजेक्ट किया कि कोरिया की गवर्नमेंट उसको बैन कर रही है, और कोरिया है जो एनोमिनस चीज़ें ख़त्म कर रही है। तो जब गवर्नमेंट ने उसको लीगलाइज कर दिया, तो क्यों इसके रेट नहीं बढ़े अभी तक? अगर लोग कहते हैं ये मार्केट स्पेकुलेटिव है और सारी चीज़ें उसी अकॉर्डिंग होती है, तो भाई जब हर जगह चीज़ें लीगलाइज होती जा रही हैं, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट अभी इसको इलीगल नहीं बोल रहा है, ठीक, तो इसके प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों इसके प्राइस 20,000 के ऊपर नहीं जा रहे हैं? तो मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा कारण, या इसका जो सबसे बड़ा आंसर है, वो इस आर्टिकल से निकल के आता है, ठीक है। ये metro.co.uk की न्यूज़ है, ये एक पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल है, इन्होंने ही ये चीज़ को ब्रेक किया है, न्यूज़ को ब्रेक किया है, और इनके हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप खुद ही जाके इस न्यूज़ को पढ़ के समझ सकें कि क्या ये बिटकॉइन के बारे में जो ये बोल रहे हैं ये सच है, या आपके हिसाब से इस ऐसा कुछ नहीं है। साथ साथ में एक सर्वे भी हम कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने फीडबैक ज़रूर दें, और इस वीडियो को भी मैं रीयूजेबल रखूँगा, ताकि जो फेलो
यूट्यूबर्स हैं, अगर वो चाहें तो अपने चैनल पे इस वीडियो को लगा सकें और उस फीडबैक के थ्रू हम एक अच्छा इकोसिस्टम बना सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा अभी मैनिपुलेटिव रहे हैं वो एक्सचेंजेस रहे हैं, वो पंप करते हैं, वो डंप करते हैं, वो सारी चीज़ें। वो इंडियन एक्सचेंजेस की जहाँ तक बात करें तो वह एन वक्त पे वो शटडाउन हो जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर पैसे डालना और निकालना सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर ब्लॉकचेन की कोई बात करे तो उसमें ये बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, या बहुत सारी टेक्नोलॉजी या बहुत सारे कॉइन्स ये बोलती हैं कि हम ये चीज़ें सॉल्व करेंगे, ये इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, और अभी तक इस तरह से कोई सोल्यूशन आया नहीं है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने ये बोला कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, कि इको सिस्टम डेवलप करें जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को मेन स्ट्रीम में लेके आ जाएं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हमने एक प्लान बनाया है उसके ऊपर कि हम इस सारी चीज़ों को उसके ऊपर लेके आएंगे, मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, ताकि आप जो अपने करेंसी है उससे अपने फ्लाइट, ट्रेन, होटल की बुकिंग कर पाएँ, ठीक है, अपने मर्चेंडाइज खरीद पाएँ। आपको ई कॉमर्स से चीज़ें खरीदनी है तो आप उन अपने कॉइन को यूज़ करके उसमें खरीद पाएँ। तो एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, और इस वजह से मुझे लगता है कि अगर हम इन्वेस्टर ही एक अच्छा सिस्टम खड़ा कर पाएँ तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ताकि हम मैनिपुलेट ना हो पाए लोगों के द्वारा जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं या हमारे पैसे डुबा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उससे एक फ़ायदा रहेगा हमें। तो मैं यही चाहूँगा कि आप उस सर्वे को ज़रूर से ज़रूर उसका फीडबैक दें, उसके ऊपर अपने रिस्पॉन्सेस दें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको लगता है कि या आपको पता है कि वो इस करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं या वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आप उनके साथ इस सर्वे को शेयर कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और आप उस चीज़ को शेयर कीजिए, और ताकि हम लोग इसमें एक अच्छा सिस्टम बना पाए। क्योंकि मुझे लगता है कि इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। एटलीस्ट अगर आप इसमें इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो आपको खुद ही पता है कि इसके अंदर क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अपने सर्वे का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, आप उस पर जाके ज़रूर से ज़रूर फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।